हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाएं। आज सर आप सिकरारा में आए हुए हैं ताहिरपुर में, क्या मामला है? असल में आज हमारे नज़दीकी लाल प्रताप यादव जी की भाइयों की मृत्यु का दुखद समाचार मिला, तो शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ आए हुए थे। और सर आज किसान दिवस भी है, उसके बारे में कुछ कहिए। आज पूरा देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस मना रहा है, 119वीं। और जिस तरीके से भी कुछ एक वर्षों से भाजपा सरकार ने जो किसान बिल लगाया था और देश के किसानों को परेशान कर रखा था, लेकिन एक ज़ोरदार तरीके से देश के किसानों ने, प्रदेश के किसानों ने विरोध किया और सरकार को झुकना पड़ा। और किसानों ने इस तानाशाह सरकार को सिखाया कि ये भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ कोई भी हमारे किसानों को झुका नहीं सकता है। हम सब लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे चौधरी चरण सिंह जी की जयंती को किसान दिवस के रूप में मना रहे हैं। और हम लोग तमाम जो क्षेत्र में जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो आज ये कहने में कतई गुरेज नहीं है कि पूरे प्रदेश के किसानों ने ये ठाना है कि 22 में इंकलाब होगा और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। वर्तमान में सर आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं, कहाँ से हैं और क्या नाम है सर आपका? मैं वार्ड नंबर 3 से जिला पंचायत सदस्य हैं, लेकिन वो मेरी धर्मपत्नी हैं, ब्लॉक करंजा कला है। आपका क्या नाम है सर? अमित यादव। धन्यवाद सर।